मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज मेडिकॉस के साथ संवाद है। बता दें कि 249 चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम से जुड़ी ये पूरी खबर है। कार्यक्रम में करीब 300 से अधिक चिकित्सा व स्टाफ को आमंत्रित किया गया है। सीएमएचओ प्रथम व द्वितीय के अलावा निदेशक के कार्मिकों को भी आमंत्रण भेजा गया है। सीबार में शाम 5 बजे से शुरू होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जिसमें 220 करोड़ की लागत से तैयार 148 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण किया जाएगा। वहीं 551 करोड़ से बने 101 चिकित्सा संस्थानों का भी शिलान्यास होगा। और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिकित्सकों व अन्य मेडिकॉस के साथ में चर्चा करेंगे। सरकार की चिकित्सा क्षेत्र की योजनाओं को लेकर मेडिकॉस के साथ में संवाद होगा और कार्यक्रम की तैयारी को लेकर हालांकि देखिए अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है चिकित्सा विभाग। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से लगातार सौगात दे रहे हैं, ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र में भी लगातार बदलाव करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। बात की जाए उनके कार्यक्रम की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज मेडिकॉस के साथ में संवाद है। 249 चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम होना है और ऐसे में कार्यक्रम में करीब 300 से अधिक चिकित्सक व स्टाफ को आमंत्रित भी किया जा चुका है। जानकारी दें सीएमएचओ प्रथम व द्वितीय के अलावा निदेशक के कार्मिकों को भी आमंत्रण भेजा गया है। सीएमआर में शाम 5 बजे से राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब खुद चर्चा करेंगे, खुद संवाद करेंगे। 220 करोड़ की लागत से तैयार है 148 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण कार्यक्रम जो कि आज होने वाला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विकास भी जुड़ चुके हैं। विकास, कार्यक्रम है आज शाम 5 बजे, क्या कुछ जानकारी आपके पास उसको लेकर? देखिए बिल्कुल हरीश, आज जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो करीब 500 करोड़ की लागत से तैयार 249 चिकित्सा संस्थान जो है उनको शिलान्यास और उनका उद्घाटन दोनों जो है वो करेंगे। इसके साथ में जो 25 मोबाइल टेस्टिंग लैब जो है खाद्य विभाग की जो ऑन द स्पॉट टेस्टिंग की सुविधा जिनपे उपलब्ध होगी उन मोबाइल लैब को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 10 क्रिटिकल एम्बुलेंस जो है उनको हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा आज एक बड़ा अभियान जो है पूरे प्रदेश में शुरू होने वाला है जिसको अंगदान महादान अभियान के नाम दिया गया है और उस अभियान का आगाज जो करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर जिले के तकरीबन 500 से अधिक मेडिकों से सीधा संवाद करेंगे। इसके अलावा पूरे प्रदेश भर के सरपंच, जनप्रतिनिधि, विधायकगण एवं तमाम जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे भी वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कनेक्ट होंगे और उनको बताएंगे सरकार की क्या मंशा है, किस तरह की योजना है, किस तरह की प्लानिंग है और क्या क्या सरकार आगे मंशा रखती है चिकित्सा क्षेत्र को अलग अलग सुविधा देने के लिए। जी अविकास, जिस तरह से देखिए हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ना सिर्फ सौगातें देते हैं बल्कि नए नए नवाचार भी करते नजर आते हैं, आज के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को लेकर एक अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए जो तैयारियां हैं उसको लेकर चिकित्सा विभाग ने संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली है। कल शुभराज सिंह जो है उन्होंने पूरे प्रदेश भर के अधिकारियों के साथ वीसी से कनेक्ट हुई थी, कनेक्ट होकर के उन्होंने डायरेक्शन दिए थे कि क्या क्या अधिकारी जिम्मेदारी रहेगी। साथ में जो आज का महाअभियान है अंगदान महाअभियान शुरू होगा, उस अभियान को लेकर के भी जिलेवार अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है कि वो उसकी मॉनिटरिंग क्रियान्वयन और साथ में जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो करेंगे, उसके लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जी अविकास, देखिए इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उससे कई नवाचार जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते नजर आते हैं, लोकप्रियता तो उनकी बढ़ती है और साथ ही साथ में कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव है उसको लेकर भी क्या इसको जोड़ करके देखा जा सकता है दोनों चीजों को, क्योंकि ये हमेशा मौजूदगी लोगों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रहती है, हर क्षेत्र पर फोकस करते और चिकित्सा पर खासतौर पर फोकस करते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो अगर प्राथमिकताओं की बात करें, काम की प्राथमिकता की बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र उनका पहली प्राथमिकता है। कई बार उन्होंने कई मंचों पर बात कही भी है कि जो हेल्थ सेक्टर जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं वरदान है जिसको मैं लोगों को देना चाहता हूँ, साथ में हेल्थ सेक्टर को पहली प्राथमिकता मेरी हमेशा रहती है और उसी बात को वो उन्होंने प्रूव भी किया है। आज राजस्थान की बात करें तो हर सूचकांक में चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो देश भर के सूचकांकों में राजस्थान जो है अव्वल नंबर पे है। वो इसका कारण ये भी है कि
तमाम, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना हो, चाहे निःशुल्क जांच योजना हो, चाहे फ्री ट्रीटमेंट योजना हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो आरजीएस योजना हो, तमाम जो योजनाएं हैं वो पूरे देश दुनिया के